दहेज के लिए महिला की हुई जमकर पिटाई, इतने से जब दिल नहीं भरा तो महिला के सिर के बाल काट दिए। कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने ली NC। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा से एक दिल झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां दहेज लोभियों ने एक महिला को घर में बंद करके बेरहमी से पिटाई की, फिर उसके बाद उस महिला के सर के बाल भी काट दिए हैं। यही नहीं, महिला ने यह भी बताया कि उसे जलाने की भी बात की गई, जिसके बाद ये महिला अपने भाई मोहम्मद शब्बीर हाशमी के घर चली आई। कलवा के टकोली मोहल्ला के पास रहने वाले मोहम्मद शब्बीर हाशमी ने अपनी बहन जनीशा का विवाह कलवा में ही जोमा पाटिल चाल में रहने वाले मोहम्मद अकरम हाशमी के साथ करीब 4 साल पहले की थी। आपको बता दें कि मूल रूप से ये लोग रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं। शादी के वक्त हैसियत के मुताबिक दहेज में सब कुछ दिया था, मगर कुछ महीने से पति अकरम हाशमी और उसकी सास मुन्नी बेगम जनीशा के साथ मारपीट करने लगे। हर रोज़ उसे चिमटे और पाइप से पीटा जाता था और दहेज में गाड़ी और पैसों की मांग की जा रही थी। मांग पूरी ना होने पर लड़की के सर के बाल भी काट दिया, ऐसा आरोप जनीशा ने अपने सास और पति पर लगाया है। यही नहीं, जनीशा ने यह भी बताया कि उसकी सास उसे जलाकर मारने की भी बात कर रही थी, जिसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर अपने भाई शब्बीर हाशमी के घर के लिए निकल पड़ी, मगर रास्ते में ही उसके बच्चे को उसके ससुराल वालों ने ले लिया। पीड़िता के साथ मारपीट, सर का बाल काट दिया गया, वो इसलिए कि वो दहेज में पैसे और गाड़ी नहीं दे पाई। जिस देश में दहेज लेना या देना कानूनन जुर्म है, उसी देश में दहेज के लिए एक महिला के साथ मारपीट और उसके सर का बाल काट दिया जाना ये कितनी शर्मनाक घटना है। वहीं पीड़िता ने यह भी बताया कि वो कलवा पुलिस स्टेशन गई थी, मगर अभी तक उसका मेडिकल भी नहीं कराया गया है और ना ही FIR दर्ज की गई है। कार्रवाई के नाम पर कलवा पुलिस ने सिर्फ NC ली है। अब सवाल उठता है कि क्या देश में इसी तरह से नारी शक्ति आगे बढ़ेगी कि दहेज के नाम पर उस पर सितम ढाया जाए, सर के बाल काट दिए जाएं और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ NC ली जाए? क्या किसी गरीब पीड़ित महिला को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो फिर क्यों अभी तक पीड़ित महिला का मेडिकल नहीं हुआ? उसकी फरियाद अभी तक क्यों नहीं सुनी गई? सुनिए पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम जानिशा हाशमी है, मेरे आदमी का नाम अकरम हाशमी है, मेरा 4 साल पहले शादी हुआ है और वो लोग मुझे बहुत फोर्स करते थे दहेज के ऊपर से कि जब पैसा लेके या गाड़ी मांगते हैं, बोलते तेरे घर वाले कुछ नहीं दिए हैं, मुझे ब्रश नहीं करने देते थे, मेरा पूरा बाल काट दिए, मेरा पानी अलग कर दिए थे, पीने का बोले अलग, रहने का अलग, सोने का हर चीज़। शादी आपकी कहाँ हुई थी? यहाँ कलवा में ही हुई? नहीं, गाँव में शादी हुई। वो लोग यहाँ पर कहाँ रहते हैं? वो लोग यहाँ जोमा पाटिल चाल इग्निंग स्कूल के पास रहते हैं। क्या कौन मारता था? आपके हस्बैंड मारते थे या दोनों मिलके मारते थे? कौन कौन? मेरी सास और उसका मेरा आदमी। सास का क्या नाम है आपके? मुन्नी बेगम। तो क्या किस चीज से जो आपके बदन पे निशान है ये सब मारते हैं? क्या चीज से मारते था? और उसकी माँ चिमटा से पक्कर से मार रही थी। आप कल ऐसा क्या हुआ कि आप जो है वहाँ से बोले? पहले सास ने सुबह चिमटा से बहुत मारी और बोली आने दे, रात में तेरे को अपने बेटे से इधर तेरे को जिंदा जला देंगे। दहेज में क्या क्या मांग रहे थे वो लोग? दहेज में लोग गाड़ी मांग रहे हैं और 2 लाख रुपए बोल रहे हैं देव करके। तो आप पुलिस में गए थे? हाँ, मैं गई थी। तो क्या पुलिस ने क्या मामला क्या लिया वहाँ पर? आपने ये सब बताया पुलिस को? ये सब बातें बताई कि दहेज मांगा जा रहा है, मारपीट हुआ, बाल काट दिए, आपकी सब बात बताई पुलिस को? नहीं, पुलिस ने खाली मेरा सर देखा, हाथ और देखा था, सब देख के वहाँ पे कोरोना की वजह से लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, सुन भी नहीं रहे थे ज्यादा, थोड़ा बहुत लिख के ये केस बना के FIR नहीं बनाए, बोले कि हम आपका NC ले रहे हैं, बस इतना बोल के वहाँ से भेज दिया। आपके साथ मारपीट हुई थी, सर का बाल काट दिया गया आपका, सुबह तो में उसकी मां मेडिकल के लिए भेजे कि नहीं? नहीं भेजे लोग। मेडिकल भी आपका नहीं करवाया? नहीं।
क्या आपको क्या लग रहा है इस मामले में, पुलिस से क्या आप उम्मीद कर? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा FIR दर्ज होना चाहिए। तो सुना आपने, पीड़ित महिला जनीश अब पुलिस प्रशासन से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है कि उस पर ढाए गए जुर्म, शरीर पर चोट के एक एक निशान उसके जुर्म की गवाही दे रही है और इंसाफ की मांग ये पीड़ित महिला कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस महिला को इंसाफ मिलता है या नहीं। वही एक बात और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में इस पीड़ित लड़की के पति और इसके साथ से संपर्क नहीं हो पाया है, और अगर ये हमसे संपर्क करना चाहते हैं और अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हम इनका पक्ष भी रखेंगे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।